तो हमारे शहर में आ चुका है एक बहुत ही बड़ा खतरनाक जाइंट मॉन्स्टर। बट वेट, ये तो मेरे घर के बिल्कुल सामने ही है। शेट यार, आज फिर से मैं लेट हो गया भाई, इसीलिए मैं कभी रात को पार्टी नहीं करता भाई। रात को पार्टी करने के चक्कर में आज फिर मैं ऑफिस के लिए लेट हो गया। बट कोई ना, अगर मैं अभी भी जाऊंगा तो मैं काफी जल्दी पहुंच सकता हूं। अगर मैं यार मैं जल्दी नहीं पहुंचा तो मेरा बॉस बहुत बेकार है भाई, बहुत डांटेगा मुझे। वैसे ही इस महीने मैं कई बार छुट्टी ले चुका हूं और भाई आज भी मैं गैप नहीं करना चाहता। अगर मैंने आज भी गैप किया तो पक्का मेरी सैलरी काट देगा। और यार मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरी महीने की सैलरी कट हो, इसीलिए मैं जल्दी से चलता हूं अपने ऑफिस पे। यार मैंने कल रात को फालतू में पार्टी कर दी, कोई जरूरत भी नहीं वो पार्टी करने की। बट क्या करूं यार, पार्टी करने के चक्कर में आज लेट हो गया मुझे। हेलो आदित्य भाई, सुनो यार, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है भाई, जल्दी इधर आओ। शेट यार, मैं ऑफिस के लिए ऑलरेडी काफी ज्यादा लेट हो चुका हूँ। ऊपर से रोहन पता नहीं क्यों किस काम के लिए मुझे बुला रहा है भाई साहब। यार जाना पड़ेगा इसके पास, जल्दी चलता हूँ इसके पास, बिकॉज यार ऑलरेडी मुझे ऑफिस के लिए काफी लेट हो रहा है। हेलो, हाँ भाई बता, क्या काम है? यार मैं ऑफिस के लिए काफी लेट हो रहा हूँ, ऊपर से तुमने मुझे रोक दिया भाई। अरे यार मैं तो तुम्हें ये बताने के लिए रोका हूँ कि भाई हमारे शहर में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ चुका है, उसके बारे में न्यूज में भी लोगों ने बताया। अबे यार क्या फालतू बात कर रहे हो यार, बैक मैं जा रहा हूँ। ऑलरेडी मेरे को ऑफिस के लिए काफी लेट हो रहा था, ऊपर से यार ये अपनी फालतू बात करने के लिए मुझे अपने पास बुला लिया। हाँ मुझे पता है कि मैं अक्सर इसके साथ मजाक करता रहता हूँ, बट इसका ये मतलब नहीं है कि भाई मैं जब बहुत इंपॉर्टेंट काम करने जा रहा हूँ, मतलब मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ, तो भाई उस टाइम पे ये मजाक करे। मजाक करने का भी एक टाइम होता है। बट छोड़ो यार, पता नहीं कब दिमाग आएगा उसके अंदर। वेल मैं आ चुका हूँ अपने ऑफिस के पास, काफी दूर है मेरा ऑफिस, मतलब मेरा शोरूम। मैं एक शोरूम के अंदर काम करता हूँ, आज मुझे कई सारी कार्स को इम्पोर्ट करना है। बट चलो कोई ना, फाइनली इतनी देर से बाइक चलाने के बाद फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ अपने शोरूम पे। मतलब ये मेरा शोरूम नहीं है, मेरे बॉस का शोरूम है। मैं यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ की कार्स को मैं एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट करता। वैसे देखते हैं आज कौन सी लग्जरियस कार आई है। तो भाई यहाँ पे तो दो बहुत ही तगड़ी लग्जरी कार आई है, एक है लैम्बोर्गिनी टेरजो और दूसरी यहाँ पे ये कौन सी है, ये है निसान जीटीआर। ओ माय गॉड, आज तो दोनों काफी अच्छी सुपर कार मिली है। वेल कोई ना, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे इन दोनों कार्स में से, मतलब अभी फिलहाल तो मैं निसान जीटीआर को एक्सपोर्ट करने वाला हूँ, तो मुझे बहुत ही ध्यान देके इन दोनों को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। बट आज तो मुझे सिर्फ निसान जीटीआर कार को एक्सपोर्ट करना है। वैसे मैं इसे ड्राइव करके एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मुझे काफी ध्यान से कार को चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये कार काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। ऊपर से ये हमारे शहर में सिर्फ एक है, बिकॉज इसे ऑर्डर करके वन पीस मंगाया गया है। भाई साहब काफी देर से इस कार को चला रहा हूँ, बट चलो फाइनली मैं अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने वाला हूँ। बिकॉज यार मैं उनसे कब से करेक्ट एड्रेस पूछ रहा हूँ, बट वो सही एड्रेस बता ही नहीं रहे हैं। बट चलो फाइनली उन्होंने सही एड्रेस बता दिया है। भाई साहब आज तो काफी दूर आना पड़ा डिलीवरी करने के लिए, मतलब पास में ही था लेकिन वो एड्रेस सही नहीं बता रहे थे। बट फाइनली उन्होंने बताया कि पेट्रोल पंप पे बगल में, वहाँ पे अपनी कार को छोड़ दो और जिनकी कार है वो अपनी कार को यहीं से आके उठा लेंगे। चलो मेरा काम तो यहाँ से डन हो चुका है, अब मुझे यहाँ से निकलना है। बट यार मैं कैसे निकलूं, मेरे पास तो कोई कार वगैरह भी नहीं है। और ऊपर से ये दहाड़ने की आवाज किसकी आ रही है भाई, इधर साइड आ रही है, कोई मतलब रो रहा है या चिल्ला रहा है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसी आवाज है ये? अरे ये कौन है, कहीं ये वो मॉन्स्टर तो नहीं जिसके बारे में रोहन बात कर रहा था? अरे यार जल्दी निकलो यहाँ से, ये पक्का वही मॉन्स्टर है। यार मतलब सुबह जब रोहन ने इस मॉन्स्टर के बारे में मुझे बताया तो मुझे मजाक लग रहा था, लेकिन ये कोई मजाक नहीं है, ये तो सच में एक बहुत ही बड़ा खतरनाक सा मॉन्स्टर है। और यार इस कार वाले से मैं हेल्प मांग रहा हूँ, लेकिन ये तो अपनी कार को लेकर निकल गया और यहाँ पे कोई व्हीकल वगैरह है भी नहीं जिससे मैं जल्दी अपने घर पहुंच पाऊँ। यार शिट यार, ये तो मेरे साथ काफी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, बगल में मॉन्स्टर भी है और यहाँ पे कोई गाड़ी भी नहीं जिसकी हेल्प से मैं घर जा पाऊँ। एक काम करता हूँ, मैं इसी कार को उठा लेता हूँ भाई, फिलहाल के लिए जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इस कार को लेकर के अपने घर जा रहा हूँ और भाई कल मैं इसे डिलीवर कर दूंगा। और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं भाई उससे बात कर लूंगा, बट फिलहाल मैं इसको लेकर निकल रहा हूँ क्योंकि मेरा घर यहाँ से काफी दूर है और उतनी दूर मैं पैदल तो जाऊंगा नहीं और कोई मदद नहीं करेगा, काफी ज्यादा रात भी हो चुकी है ऑलरेडी। भाई साहब जल्दी से ड्राइव करके यहाँ से घर पहुंचता हूँ। यार मैंने आज पहली बार अपनी लाइफ में इतना बड़ा जाइंट मॉन्स्टर देखा है। और यार वो मॉन्स्टर की शक्ल कैसी थी, वो दिखने में कितना ज्यादा अजीब लग रहा था, बट चलो कोई बात नहीं यार, अब इसे भूलना ही पड़ेगा। बट यार ये इतनी अजीब सी चीज है, अपनी लाइफ में पहली बार मैंने मॉन्स्टर देखा है, तो भाई मैं जल्दी भूल तो पाऊंगा नहीं उसे। चलो यार फाइनली सुबह हो चुकी है और आज रात भर मुझे अच्छे से नींद नहीं आई है, बिकॉज मैं बार बार उसी मॉन्स्टर के बारे में सोच रहा था कि वो कितना खतरनाक था। और यार उस मॉन्स्टर से दूर भागने के चक्कर में मैंने इस निसान जीटीआर कार की काफी ज्यादा हालत खराब कर दी है। तुम देख सकते हो उसका गेट वेट काफी टूट चुका है। यार ये अपने पूरे शहर में वन पीस कार थी जो कि सिर्फ हमारे पास थी और हम उसे कहीं और डिलीवर करने वाले थे, उस बंदे ने कितने ज्यादा पैसे दिए हुए थे एडवांस इसके लिए। बट यार मैंने यार इस कार को तोड़ दिया, बट मैं क्या करता, मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। रात को मैं अकेले था, कोई मेरी हेल्प भी नहीं कर रहा था और मुझे वहां से निकल था, तो भाई मुझे इसको लेना पड़ा। यार जितने का भी नुकसान होगा मैं भर दूंगा और भाई उसे सॉरी वॉरी तो बोलना ही पड़ेगा, बिकॉज यार वो कस्टमर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएगा ये सुनने के बाद। अब तक हो ही गया होगा, वैसे भी मेरे पास काफी ज्यादा कॉल भी आ चुके हैं बॉस के, बट मैं उस कार को रिसीव नहीं कर रहा हूँ ताकि भाई मेरे पे कुछ बोल ना दे फालतू, मतलब बहुत डांटेगा भाई वो, इसीलिए मैं आ चुका हूँ यहाँ पुलिस स्टेशन पे कंप्लेन करवाने। और पता है किस चीज की कंप्लेन करवाने आया हूँ, मैं यहाँ पे उस मॉन्स्टर की कंप्लेन करवाने आया हूँ, बिकॉज यार उस मॉन्स्टर की वजह से मैं कल रात को काफी ज्यादा डर गया था। ऊपर से मुझे रात भर नींद भी नहीं आई थी और यार वो हमारे शहर के लिए काफी
खतरीला भी है, तो मैं उसके बारे में इन्हें बताता हूँ। हेलो सर, मैं एक कार डीलर हूँ, मैं कार्स को इधर से उधर एक्सपोर्ट करता हूँ, और यार कल रात को ना मैंने पेट्रोल पंप साइड पे एक बहुत ही बड़ा जाइंट मॉन्स्टर देखा था। यार तुम जब भी आते हो फालतू का केस लेकर क्यों आते हो? जाइंट मॉन्स्टर क्या होता है? ये सब कुछ नहीं होता, सब टीवियों में होता है बस। अरे सर, मैं पागल थोड़ी हूँ जो अपना टाइम वेस्ट करूंगा। अगर ये चीजें सही नहीं होती तो मैं आपके पास क्यों आता? मैंने सच में एक जाइंट मॉन्स्टर देखा है। देखो तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो हम तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे। इसीलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, बिकॉज ये फालतू केस तुम लोग लेकर आते हो ना, मैं कोई कंप्लेन नहीं लिखूंगा तुम्हारी। निकलो यहाँ से। अरे सर, मैंने सच में देखा था एक जाइंट मॉन्स्टर को। यार छोड़ो यार, मैं चलता हूँ यहाँ से, ये मेरी सुन ही नहीं रहे भाई। कैसे पुलिस वाले हैं भाई साहब, मेरी बात तो सुननी चाहिए कम से कम। यार एक पुलिस वाले ही तो है जो मेरी कोई हेल्प कर सकते हैं, ऊपर से भाई और कोई है भी नहीं जो मेरी हेल्प कर पाएगा। मैं तो भाई एक पार्ट टाइम जॉब करने वाला बंदा हूँ, मेरे पास मेरी कौन ही हेल्प करेगा यार। बस छोड़ो, फिलहाल मैं घर पे ही चलता हूँ, बिकॉज बाहर रहूंगा अगर मेरे बॉस ने पकड़ दिया तो भाई मुझे और भी दिक्कत हो सकती है। अब यार मेरे पुलिस वाले तो मेरी कोई हेल्प कर नहीं रहे। बट यार एक सेकंड, वैसे मैं इसे पहले रख देता हूँ, ये सामान जो मैं लेके घूम रहा हूँ कब से। चलो फाइनली मैंने अपने सारे सामान को रख दिया है भाई, वो काफी इंपॉर्टेंट चीजें थी, काफी डॉक्यूमेंट्स थे उस कार को लेकर के। बट कोई ना, अब कार नहीं है तो क्या ही करूंगा उसकी। यार मैं आरजे स्टूल की हेल्प लेने की बात करने वाला था, बट यार ये आरजे स्टूल तो लॉक पड़ा है भाई साहब, ये तो खुल ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों। मतलब इसे खुल तो जाना चाहिए, हमेशा खुल जाता है ऑलरेडी, बट आज पता नहीं क्यों मैं कब से ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं खुला। बट एक सेकंड, यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा है टू अनलॉक आरजे स्टूल ब्लास्ट एयरपोर्ट प्लेन, यानी कि मुझे अपने आरजे स्टूल को अनलॉक करना है तो उसके लिए मुझे एयरपोर्ट की प्लेन को ब्लास्ट करना पड़ेगा। ओ आप समझा, हाँ मैंने आपको बताया था ना कि अगर मैं बहुत बार इसको यूज ना करूं या फिर मैं इसे बहुत ही ज्यादा बार यूज कर दूं तो ये लॉक हो जाता है, और फिर इसे अनलॉक करने के लिए ये जो टास्क देता है उस टास्क को करना पड़ता है। तो फिलहाल के लिए आरजेस ने मुझे ये टास्क दिया है कि अगर मैं चाहता हूं उसे यूज करना तो उसे यूज करने के लिए मुझे एयरपोर्ट की प्लेन को ब्लास्ट करना पड़ेगा, और मैं उसे ब्लास्ट करूंगा अभी बिकॉज मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरत है उसकी। और लो मैं आ चुका हूं यहां पे एयरपोर्ट पे, और ये रही वो प्लेन, और मुझे इसी वाली प्लेन को ब्लास्ट करना है। मुझे पता है कि ये हमारे शहर में वन पीस है, इसे बाहर की कंट्री से इंपोर्ट किया गया है, बट यार मैं फिर भी इसे ब्लास्ट करूंगा बिकॉज यार मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है अगर मुझे अपने शहर को बचाना है और अपनी लाइफ सेफ रखनी है तो, क्योंकि पुलिस वाले तो मेरी हेल्प कर नहीं रहे और मैं एक आम आदमी हूं, मेरी और कोई तो हेल्प कर नहीं सकता, और अगर मुझे खुद की हेल्प करनी है तो भाई वो एक आरजीएस ही है जो हमेशा मेरी हेल्प करता है, तो इसलिए मुझे भाई इसे अनलॉक करना ही पड़ेगा। चलो तो मैंने इस प्लेन के ऊपर कई सारे बॉम्ब्स को तो फिट कर दिया है, उसे एक्टिवेट भी कर देते हैं। चलो मैंने इसे एक्टिवेट भी कर दिया और फाइनली मेरा ये वाला टास्क कंप्लीट भी हो चुका है। तुम देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा है आरजीएस टूल अनलॉक, यानी कि अब मेरा आरजीएस टूल अनलॉक हो चुका है और अब मैं उसकी हेल्प से जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। और फिलहाल तो भाई मुझे उसकी हेल्प सिर्फ एक ही चाहिए, और यार वो बहुत ही सिंपल सी हेल्प है, और वो हेल्प ये है कि भाई उसकी हेल्प से कैसे भी करके मैं उस मॉन्स्टर को यहाँ से भगा पाऊँ, बिकॉज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है कि वो मॉन्स्टर इस शहर से कैसे भी चला जाए भाई, वो नहीं रहना चाहिए यहाँ पे। चलो यहाँ पे मेरा अगला टास्क मिल चुका है, तो अगला टास्क ये है किल ऑल पुलिस ऑफिसर्स, यानी कि अब मुझे सारे के सारे पुलिस ऑफिसर्स को मारना पड़ेगा, यानी कि आरजीएस टूल भी जानता है कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो किसी काम के नहीं है, इसीलिए सबसे पहले उन्हीं को मारो। और भाई मैं खुद चाहता हूँ कि मैं उन्हें मारूं, बिकॉज यार मैं उनके पास गया अपनी कंप्लेन लिखवाने और उन्होंने मेरी कंप्लेन तक नहीं लिखी भाई, भगा दिया मेरे को वहीं से। और इतनी बड़ी बेइज्जती का बदला लेने का ऑप्शन जब मुझे मिल रहा है तो भाई मैं इसे ऐसे ही तो नहीं जाने दूंगा भाई, इस मौके को मैं इस मौके का पूरा फायदा उठाऊंगा। और इसीलिए भाई मैं आ चुका हूँ पुलिस स्टेशन के अंदर, और मैं अभी पीछे जाऊंगा और पीछे जाके अब इन पे फायर करने वाला हूँ। रुको एक सेकंड, हाँ चल भी बहुत बोल रहे थे ना तुम लोग, रुको लाइन से तुम सबको बताता हूँ, चिंता मत करो लाइन से तुम सबको मारूंगा। यहाँ पे तुम्हारे ऑफिसर्स तो मर चुके हैं, अब कांस्टेबल्स तुम भी मरो भाई साहब, एक तो मर गया बहुत ही गंदी तरीके से। चलो ये दूसरा वाला मर गया, और तुम लोग देख रहे थे ना बेटा मुझे भाई, उस टाइम पे ये कुछ बोल भी नहीं रहे थे, चुपचाप सुन रहे थे मेरे को। तुम लोग भी हटो यार यहाँ से, सबको मारूंगा भाई साहब, ये सामने वाले को भी मार दिया, और भाई ये लास्ट बचा था प्रिजन के अंदर था, चलो इसे भी मार दिया। फाइनली यार मेरा टास्क कंप्लीट हो चुका है और मैंने इन सबको मार दिया, बिकॉज यार ये निठल्ले थे, किसी काम के नहीं थे भाई साहब, कुछ बोलते तो उस टाइम पे। चलो फिर अब देखता हूँ कि मेरा अगला टास्क क्या है। तो मेरा अगला टास्क ये है कि किल 3 डायनासोर्स, यानी कि अब मुझे 3 डायनासोर्स को मारना है। और तुमको तो पता है कि भाई अगर तुम्हें डायनासोर्स को मारना है तो वो तुम्हें कहाँ मिलेंगे भाई, जाहिर सी बात है वो तुम्हें जुरैसिक पार्क के अंदर मिलेंगे। तो फिर वेट किस चीज का है भाई, जल्दी चलता हूँ जुरैसिक पार्क के अंदर और वहां पे 3 डायनासोर्स को मारता हूँ, बिकॉज यार टास्क को कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है और टाइम भी बहुत कम है। यार जुरैसिक पार्क तो हमारे शहर से काफी दूर था, बट कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बिकॉज मैं कब से अपनी कार को चला रहा था और काफी सुपर फास्ट कार है ये, तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा। और फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ जुरैसिक पार्क के अंदर, तो अब ढूंढता हूँ कि भाई यहाँ पे डायनासोर्स कहाँ है, काफी देर से ढूंढ रहा हूँ और फाइनली मुझे ये मिला एक छोटकू डायनासोर, तो पहले इसे निपटाता हूँ भाई साहब, काफी देर से मुझे पीछा कर रहा है, मतलब काफी देर से मेरे पीछे से चिल्ला रहा था और मेरे पीछे भी आ रहा था। चलो फाइनली इसे तो मार दिया, अब ढूंढते हैं भाई बाकी। वो देखो भाई साहब सामने एक और डायनासोर है भाई, उसे भी मरना है लग रहा है यहाँ पे। चलो अच्छी बात तो ये कि मैंने अपने साथ गन्स कैरी कर ली थी, तो इन्हें मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, और भाई वो सामने वाला मर ही नहीं रहा भाई साहब, उस पर इतनी गोलियां चलाई मैंने AK-47 की, लेकिन उसे कुछ हुआ ही नहीं। चलो अब लॉन्चर चला के देखता हूँ, और यार वो काफी दूर है तो एक्यूरेट लॉन्चर लग नहीं रहा, और भाई अब तो वो गायब भी होने वाला है, मतलब गायब हो ही रहा है। बट एक काम करता हूँ भाई, जल्दी से यहाँ से ना इस कार को लेकर के निकलता हूँ। यार देखो वो अभी थोड़ा बहुत तो दिख रहा है मुझे, काफी देर से मैं उसके ऊपर फायर किया जा रहा हूँ और अब तो वो गायब भी हो चुका है पूरा। एक काम करता हूँ भाई, फास्टेस्ट कार तो है ही मेरे पास, जल्दी से भाई उसके पास चलता हूँ, पास में ये
ज्यादा दूर गया नहीं है अभी वो। अगर मैं पास से मारूंगा तो भाई वो जल्दी मर भी जाएगा और ज्यादा एमओ भी वेस्ट नहीं होगी। चलो मुझे यहाँ पे मिल चुका है वो, तो चलो भाई नीचे उतरता हूँ जल्दी से। और भाई इसको मैं मारने वाला हूँ लॉन्चर से, बिकॉज अगर मैं इन सभी को AK-47 से मार रहा हूँ तो काफी टाइम भी लग रहा है और ये जल्दी मर भी नहीं रहा, काफी सारी एमओ भी मेरी फालतू में वेस्ट हो जा रही है। बट कोई दिक्कत की बात थोड़ी है भाई, ये सारी गन्स और लॉन्चर्स वगैरह ये सब तो मैंने पुलिस स्टेशन से ही चुराई थी। और चलो काफी हेल्प भी हो रही है भाई, इनको मैंने चुरा लिया, काफी अच्छा किया मैंने चुरा करके। वाली यहाँ पे मैंने दो डायनासोर तो मार दिए हैं, अब चलता हूँ भाई देखता हूँ अगर कोई और डायनासोर मिलता है तो ठीक है भाई, वैसे मुझे मारना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे तीन डायनासोर को मारने का टास्क मिला है। चलो काफी देर से ढूंढाडी करने के बाद भाई मुझे ये मिल चुका है, ये वाला टीरेक्स, और भाई ये तो काफी ज्यादा खतरनाक है, तो इसे मारने के लिए भाई पक्का लॉन्चर का यूज करना पड़ेगा। और यार ये वाला टीरेक्स तो भाई काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, मतलब इसे मारने के लिए मुझे तीन लॉन्चर का यूज करना पड़ा। बट कोई ना यार, फाइनली मर तो गया ना, मतलब ये मर तो जाते हैं भाई जल्दी, बिकॉज यार लॉन्चर जो होती है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, उससे भाई कौन ही बच पाएगा। और ये तो खैर जानवर है भाई, ये क्या ही बचेंगे, मतलब वो तो बच सकते हैं भाई, इंसान तो और तेज मरेंगे। मरने मारने की बात छोड़ो भाई, मैंने ये वाला टास्क तो कंप्लीट कर दिया है, अब देखता हूँ कि मेरा अगला टास्क क्या है। चलो फोन को ओपन करते हैं, तो मेरा अगला टास्क ये है, फाइंड साइरन हेड कॉस्ट्यूम। चलो यार अब तो मुझे साइरन हेड का कॉस्ट्यूम ढूंढना है। चलो अच्छी बात तो ये कि भाई किसी को मारना वारना नहीं, काफी देर से बस मार ही रहा हूँ सबको। बट यार ये साइरन हेड के कॉस्ट्यूम को क्यों ढूंढना है भाई, बट वो सब छोड़ो यार, फिलहाल मैं चलता हूँ उसे ढूंढने के लिए। और मुझे पता है कि वो कहाँ मिलेगा भाई, वो बहुत ही फेमस जगह यानी कि रैंप के पास मिलेगा। और कहाँ मिलेगा भाई, यार मुझे रैंप को क्रॉस करने के लिए किसी बाइक की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज कार से भाई क्रॉस करना तो काफी मुश्किल है। वैसे सामने मुझे एक बाइक दिख रही है, ZX-10R बाइक रखी है वहाँ पे। एक काम करता हूँ, इस वाली बाइक को यहाँ से उठा लेता हूँ, बिकॉज यार यहाँ पे कोई दिख भी नहीं रहा, जो इसका मालिक भी नहीं दिख रहा है इस बाइक का, तो यार मुझे इसकी अभी जरूरत है तो मैं इसे लेकर के चलता हूँ। और जब मेरा काम हो जाएगा तो भाई मैं इसे वापस लाके यहाँ पे रख दूंगा। भाई साहब भाई कार भी फ्री की चला रहा हूँ किसी और की, और यार बाइक भी किसी और की चलाऊंगा, वाह। बट क्या कर सकते हैं भाई, फिलहाल मुझे इसकी जरूरत है, और जब भाई जरूरत है तो भाई मुझे करना ही पड़ेगा, वैसे भी मैं सब तो शहर के लिए ही कर रहा हूँ। चलो ये सामने रैंप है और मुझे इसी को ही क्रॉस करना है। वैसे इन रैंप्स को क्रॉस करना काफी डेंजरस और काफी डिफिकल्ट भी होता है, बट फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि भाई आसानी से हो जाए। और शेट यार, मैं कुछ ज्यादा ही फास्ट रख दिया था बाइक को, मतलब मुझे अपनी बाइक को थोड़ा स्लो करना था, बट मैंने उसे कुछ ज्यादा ही फास्ट कर दिया। चलो इस बार थोड़ा स्लो करूंगा। चलो भाई इस बार मैंने स्लो किया है, बट कहीं ये कुछ ज्यादा स्लो तो नहीं हो गई? ओ माय गॉड, ये तो कुछ ज्यादा ही स्लो हो गई भाई। भाई एक बार कुछ ज्यादा फास्ट हो जा रही है और दूसरी बार कुछ ज्यादा स्लो हो जा रही है, बट चलो फिर से ट्राई करते हैं और देखते हैं कि भाई इस बार फास्ट होती है या फिर स्लो होती है। आई थिंक इस बार परफेक्ट होगी। चलो भाई परफेक्ट तो लग रही है। शेट यार, इस बार परफेक्ट तो थी, बट दिक्कत ये थी कि भाई परफेक्ट मारने के बाद जब मैंने ब्रेक मारी तो भाई ये खसक के आ गई इधर। बट कोई ना, चलो एक लास्ट ट्राई करते हैं भाई, लास्ट ट्राई यार, ट्राई तो करना ही पड़ेगा। चलो यार आई थिंक मैं इस बार परफेक्ट कर ही दूंगा। वैसे मैंने इस बार स्पीड काफी कॉन्स्टेंट रखी है, तो मुझे लगता है कि भाई इस बार सही से जंप होगा और देखते हैं कैसी जंप होती है। ओ भाई साहब, इस बार परफेक्ट जंप हुई है, बिल्कुल, मतलब परफेक्ट नहीं कह सकते, थोड़ी सी फास्ट थी, बट कोई ना, मैं कैसे भी करके भाई इस रैंप के ऊपर तो आ चुका हूँ। अब चलता हूँ टॉप पे, बिकॉज मुझे जो कॉस्ट्यूम है भाई वो टॉप पे ही मिलेगा। आपको राइट साइड में एक बिल्डिंग दिख रही है ना, मुझे उसी बिल्डिंग के ऊपर जाना है, बिकॉज जो साइरन हेड का कॉस्ट्यूम है वो उसी बिल्डिंग के टॉप पे रखा हुआ है। और अच्छी बात तो यह है कि इतने डिफिकल्ट रास्ते पे और इतने डेंजरस रास्ते पे कैसे भी करके मैं आ गया, और भाई फाइनली मैं आ चुका हूँ उस कॉस्ट्यूम के पास। और ये रहा भाई वो साइरन हेड का कॉस्ट्यूम, तो इसे कर लेता हूँ कलेक्ट। चलो यार, तो फाइनली मैंने इसे भी कलेक्ट कर दिया है, और फाइनली भाई इसे कलेक्ट करने के बाद मेरा जो टास्क है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ से भाई निकलता हूँ बाहर, और भाई एक सेकेंड यार, मैं तो नीचे गिर रहा हूँ। ओ भाई साहब, ये तो साइरन हेड बन चुका हूँ भाई, मैं नीचे गिरने के बाद साइरन हेड बन गया। और भाई ये देखो भाई, वो मॉन्स्टर आ रहा है मेरे पास। एक काम करता हूँ, इसे ये घुसा मारता हूँ। भाई साहब एक लात मारते ही छटक गया वो। भाई देखिए गाइस, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो इस वाली वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कॉमेंट कर देना।